वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पार्ट वन आईकॉम का लेक्चर दूंगी। चैप्टर वन है ये, नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, इसका हम लोग लेक्चर ये वाला पढ़ेंगे। पहले मैंने आपको एडम स्मिथ की डेफिनेशन समझा दी थी, अब मैं आपको दूसरी डेफिनेशन की बताऊंगी जो कि है न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट, जो कि अल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशन है। और ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्फ्रेड मार्शल और रॉबिन्स की डेफिनेशन जो है ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लॉन्ग में आती है और एडम स्मिथ जो है वो मोस्टली प्रॉबेबली शॉर्ट में आता है। ठीक है, ये इतनी इंपॉर्टेंट है दोनों के ना, ये देखें यहाँ पर कंपेरिजन अलग से दिया हुआ है। अल्फ्रेड मार्शल और प्रोफेसर रॉबिन शॉर्ट में आता है तो चार नंबर का आता है, चार पॉइंट्स लिखने होते हैं। लॉन्ग में अगर आ जाए तो आपके आठ लिखने होते हैं। इस लिहाज से आपको दोनों पूरे का पूरा ये याद करना पड़ेगा। ऑल राइट, तो अब आप ये देखें कि ये है क्या चीज़। ठीक है, ठीक है, अब देखें ये है क्या चीज़। ये है अल्फ्रेड मार्शल, आपको बता रहा है कि ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है। ठीक है, और इसने इकोनॉमिक्स डेफिनेशन डिफाइन किया था वेलफेयर। ठीक है, कि ये एक वेलफेयर है। ठीक है, वेलफेयर का आई होप सबको मतलब पता होगा। तो इसने इकोनॉमिक्स को एज ए वेलफेयर वो किया था, मतलब फलाह बहबूद नहीं होता उसको वेलफेयर कहते हैं। ठीक है, तो फलाह बहबूदी के लिए किया था कि इंसान की, क्योंकि देखिए पहले फलाह बहबूद ख़त्म हो गया था। ठीक है, इसका मिसकंसेप्शन में फलाह बहबूद है। ठीक है, तो इसमें जो है वो फलाह बहबूद दिया हुआ है कि वेलफेयर, इंसान के वेलफेयर के लिए। ठीक है, तो ठीक है, तो इसमें ये कहता है कि इसने एक अपनी बुक लॉन्च की थी, बुक लिखी थी वो जो थी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, उस इकोनॉमिक्स के बुक में इसने अपनी डेफिनेशन को डिफाइन किया हुआ था कि इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस विच स्टडीड ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, ये एक साइंस है जिसमें इंसान का बिहेवियर पता लगता है। ठीक है, बिहेवियर विच इज़ रिलेटेड विद द ऑर्डनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। ठीक है, जो हमारी ज़िंदगी का ऑर्डनरी बिजनेस है ना, उससे रिलेट करते हैं। इट डील्स विद द पार्ट ऑफ इंडिविजुअल, ये एक इंडिविजुअल के पार्ट से रिलेट करते हैं, एंड कलेक्टिव ह्यूमन एफर्ट्स। ठीक है, और इन बेसिक जो है सब इन्होंने मिसकंसेप्शन जो थी उसको भी बीच में लेकर आके तो अपनी डेफिनेशन को प्रॉपर बनाया हुआ है। ठीक है, इसमें सब कुछ वही वाली बात है, मिसकंसेप्शन जो है वो इसके अंदर दिया हुआ है। तो अब इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो उन्होंने दिए हुए कि इकोनॉमिक्स इंक्लूड द इकोनॉमिक्स इंक्लूड द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ दोज पीपल लिविंग इन सोसाइटीज एंड नॉट ऑफ दोज लिविंग इन इन फार फ्लंग एरियाज लाइक इन, मतलब ये डिफरेंट कंट्रीज बताए हुए। ठीक है, इसमें भी इकोनॉमिक्स है। इट इंक्लूड ओनली मटीरियल वेलफेयर, ये खाली वर्ड मटीरियल वेलफेयर इंक्लूड होगा। ठीक है, ह्यूमन इनका, ठीक है, नॉट ओनली एंड नॉट नॉन मटीरियल, नॉन मटीरियल वेलफेयर इसमें इंक्लूड नहीं होगा, इसमें खाली मटीरियल वेलफेयर इंक्लूड होगा। ठीक है, इन इंक्लूड बहुत इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एफर्ट्स ऑफ ह्यूमन बींग। तीसरे नंबर पर आ जाएगा, द पर्पस ऑफ एवरी इकोनॉमिक एफर्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स शुड बी मटीरियल वेलफेयर। ठीक है, इसमें जो सारी वो एफर्ट होगी इंसान की वो मटीरियल वेलफेयर पे होगी। सो इकोनॉमिक रिलेट्स सो टू डैट पार्ट ऑफ वेल्थ विच इज़ कनेक्टेड विद द मटीरियल वेलफेयर। इकोनॉमिक उस पार्ट से रिलेट करेगा जो कि इकोनॉमिक वेलफेयर, मटीरियल वेलफेयर से रिलेटेड होगी। तो इसके जो मेरिट्स दिए हुए वो मेरिट्स दिए हुए सोशल साइंसेज, किसमें सोशल साइंसेज आ जाएंगे। इकोनॉमिक सोशल साइंस, इकोनॉमिक जो है वो सोशल साइंस है। इट्स एम्स टू अपलिफ्ट ह्यूमन वेलफेयर, और इसका जो बेसिक एम है वो है इंसान की फलाह बहबूद जो है उसको ऊंचा करना। ठीक है, ऊंचे से मुराद है उसका दर्जा बुलंद करना, उसको अप से अप लेकर जाना। ठीक है, तो इसके फिर दूसरा आ जाएगा इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एफर्ट, इसमें दोनों एफर्ट इंक्लूड हो जाएंगे, इंडिविजुअल भी और कलेक्टिव भी। फिर आ जाएगा डेली रूटीन एक्टिविटीज का मेरिट है कि इसको रोज़ाना के काम होगा और रोज़ाना के इसको काम के पैसे भी मिलेंगे। सिंपल एंड कॉम्प्रिहेंसिव, ये बहुत सिंपल सी है और छोटी सी है। ठीक है, और इसके बाद आता है कॉइंसाइड्स विद मॉडर्न डेफिनेशन। इसके मॉडर्न डेफिनेशन को कॉइंसाइड्स क्या मतलब है, फोकसिंग ह्यूमन वेलफेयर मेड दिस डेफिनेशन रेलिवेंट विद द मॉडर्न एक्सप्लेनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। यानी कि ये पुरानी थी, ठीक है, एडम स्मिथ की, और उसमें काफ़ी मिसकंसेप्शन थे, तो इसमें हमने मिसकंसेप्शन खत्म कर दिए थे। ठीक है, तो ये इसकी आ जाती है। और इसका लास्ट होता है वेल्थ इज अ सोर्स ऑफ मटीरियल वेलफेयर, दौलत जो है वो मटीरियल वेलफेयर के सोर्स में आ जाती है। ठीक है, तो मटेरियल वेलफेयर मैंने आपको पहले बताया था, मटेरियल वेलफेयर वही होता है जो दौलत में आते हैं, और नॉन मटेरियल जो कि पैसों से, पैसों में नहीं आता। ठीक है, तो इसमें मटेरियल वेलफेयर इंक्लूड होता है। तो अब इसके जो डिमेरिट्स हैं, हमने मेरिट्स पढ़े। ठीक है, अब इसके डिमेरिट्स भी होते हैं कुछ, जो कि रॉबिन्स और दूसरे लोगों ने इस क्रिटिसिज्म देखे, इसके भी मिसकंसेप्शन था। ठीक है, फिर नहीं आई थी, तो इसके बाद भी एक आई हुई है, वो क्यों आई है, क्योंकि इसमें मिसकंसेप्शन निकले थे। तो ये देखें लाइनल रॉबिन्स जो की डेफिनेशन जो हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसका था ये था लंडन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, लंडन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जो थी उन्होंने ये रॉबिन्स सर थे। ठीक है, उन्होंने इसमें क्रिटिसाइज़ किया था, और डिफरेंट वो क्रिटिसाइजर्स थे, उन्होंने भी इस थ्योरी को क्रिटिसाइज़ किया था और इसमें डिमेरिट्स निकाले थे, जो कि अब हम पढ़ते हैं इसके डिमेरिट्स क्या क्या थे।
इसके डिमेरिट्स है, डिवीजन इज नॉट रैशनल. इस इन्होंने कहा था कि डिवीजन जो है वो रैशनल नहीं है, मतलब इसकी जो काम कर रहे हो, पैसे ले रहे हो, और मतलब वही बात है ना, इसमें ना वो फलाह बहबूद आ गया था, तो इस वजह से इन्होंने कहा था कि मटेरियल जो है वो नेशनल नहीं है. डिवीजन एक्टिविटीज इनटू मटेरियल नॉन मटेरियल इट रैशनल, मतलब इन्होंने कहा था कि इसमें मटेरियल है नॉन मटेरियल नहीं है, तो इसमें दोनों होने चाहिए. तो इन्होंने फिर इसलिए इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया था. दूसरा आ गया था लिमिटेड स्कोप. इसका स्कोप जो था वो लिमिटेड था, ठीक है, सर्विसेज ऑफ इकोनॉमिक्स जो थे वो उसको एक्सक्लूड कर दिया था, तो इसलिए इसका जो था वो स्कोप वो था लिमिटेड था. तीसरा था कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर इज नॉट क्लियर. इन्होंने जो वेलफेयर का कॉन्सेप्ट किया था वो क्लियर नहीं था. अब देखिए, जो मैंने आपको वेलफेयर का कॉन्सेप्ट समझाया वो भी क्लियर नहीं है. क्यों क्लियर नहीं है? क्योंकि इन्होंने सही तरह समझाया ही नहीं है. इन्होंने डिफरेंट बेस्ट बुक्स बताई हैं और नाम बताए हैं, पॉइंट्स बता दिए, ठीक है. तो जो अगला जो फिर प्रोफेसर था वो कहते हैं कि इसमें जो वो वेलफेयर का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं है, ठीक है. यूटिलिटी इज़ नॉट मैयरेबल. इन्होंने कहा था मैयरेबल जो इंसान की ज़रूरियात है वो मैयरेबल नहीं है, ठीक है. वो कभी कोई भी वक्त ज़रूरियात बढ़ जाती है, जबकि इन्होंने जो अपनी डेफिनेशन में कहा है कि इंसान की जो ज़रूरियात है वो लिमिटेड है, ठीक है, मैयरेबल है, तो ये गलत बात की थी. तो फिर आ जाते हैं सोशल कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस आर इग्नोर्ड. इन्होंने सोशल कस्टम्स और ट्रेडिशन को इग्नोर किया था इस थ्योरी में, जो कि इस थ्योरी में भी नहीं थे और अगली थ्योरी में भी नहीं थे, ठीक है. तो इन्होंने तो रॉबिन्स ने ये सारी जो थी मिसकंसेप्शंस निकाले थे, डिमेरिट्स निकाले थे और क्रिटिसाइज़ कर दिए थे थ्योरी पर, जिसकी वजह से लोगों ने ये थ्योरी रिजेक्ट कर दी थी. और जो उसके बाद नई थ्योरी प्रोफेसर रॉबिन ने नई थ्योरी लेकर आया था लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के नेम से, ये थ्योरी थी जो कि प्रोफेसर रॉबिन ने लॉन्च की थी, ठीक है. तो ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. बाय बाय.